दोस्तों कॉमियो कितने लोगों को मालूम है? कॉमियो, जी हाँ, पिछले साल ये चाइनीज कंपनी इंडिया में आई थी और एक साल के बाद चली गई है। जी हाँ, उनके जो इंडिया के सीईओ है उनका मैंने लेटर पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई ये नवंबर दिसंबर या फिर अक्टूबर नवंबर में उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग इधर रहने वाले हैं, हम लोग बहुत सारे नए फोन्स लॉन्च करेंगे, लेकिन अचानक से गायब हो गए हैं। तो ये कॉमियो जो है ये ब्रांड अब नहीं रहा। जब आए थे जोरों शोरों से उन्होंने 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे, बहुत सारे लोगों ने खरीदे भी थे, लेकिन सर्विस नहीं मिली और आगे पता नहीं क्या हो गया, फाइनेंशियल ट्रबल्स है या और कुछ है, लेकिन अब ये कंपनी, ये ब्रांड इंडिया में नहीं है। अगर आपने कॉमियो का फ़ोन लिया हुआ है तो ज़रा ध्यान से यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको रिप्लेस करना होगा। और वन प्लस का एक स्पेशल एडिशन आ रहा है, इस टाइम वन प्लस ने टाई अप कर दिया है मैक्लेरन के साथ और वो ला रहे हैं वन प्लस 60 मैक्लेरन F1 एडिशन। फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम है दोस्तों ये, और इनका फोन आ रहा है वन प्लस 60 अनलॉक द स्पीड। तो वन प्लस 60 भी फास्ट है, मैक्लेरन भी फास्ट है। वैसे दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना है, इसके पहले वन प्लस ने स्पेशल एडिशन कौन से फोन्स लाए, कौन से ब्रांड के साथ उन्होंने टाई अप किया है और स्पेशल एडिशन फोन्स लाए, चलिए देखते हैं कितने लोगों को आता है ये। और हाँ, बाय द वे दोस्तों, वन प्लस 60 F1 मैक्लेरन F1 एडिशन सबसे महंगा वन प्लस का फोन होने वाला है टिल डेट। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 269। अगर आप हमें इधर तो फॉलो कर रहे हो, नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट कीजिएगा, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, साथ में बेल आइकन को भी। जी हाँ, और एक बात, आज सुबह ही हमने बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 8000, बेसिकली जिनका बजट 8000 के ऊपर नहीं है, उसके नीचे सबसे अच्छे फोन्स लेने, उनके लिए वीडियो किया है। आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। एंड फाइनली दोस्तों, वावी मेट 20 प्रो आर्ग्यूएबली द बेस्ट स्मार्टफोन अवेलेबल राइट नाउ इन द वर्ल्ड लॉन्च हो गया है इंडिया में। इसकी जो प्राइस है दोस्तों, दैट इज 69,990। एंड अगर आपको खरीदना है, दिस इज अ प्रीमियम स्मार्टफोन दोस्तों, सब आपको एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन में चाहिए, ये सब कुछ है इसमें। हमने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो किया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, हमें बताइए आपको कैसे लगा। और एक बात, अगर आपको खरीदना है, अच्छा लगा ये फोन, तो लॉन्च ऑफर में सेनहाइजर के 30,000 रुपए के हेडसेट्स सिर्फ 2,000 में मिल रहे हैं। इसका मतलब 71,990 में आपको 30,000 का सेनहाइजर का हेडसेट भी मिलेगा, 30,000 का, और साथ में जी हाँ आपको मिलेगा वावी का मेट 20 प्रो। दोस्तों जब रियलमी 1 P60 पे आया था, मीडियाटेक हीलियो P60 प्रोसेसर पे, सबने उसको सराहा था कि बढ़िया प्रोसेसर है, बढ़िया फोन है। अब कल आने वाला है Realme U1 जो P70 पे होने वाला है। वैसे हम अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस वगैरह देंगे, साथ में सरप्राइज भी देने वाले हैं, तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूं Helio P80 की। ऑलरेडी MediaTek ने P80 के ऊपर काम चालू कर दिया है। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि ये जो इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस होने वाला है वो होगा AI के ऊपर। इनफैक्ट दोस्तों P80 का AI बेंचमार्क स्कोर्स जो है वो टॉप 3 में है, किरिन 980, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8150 एंड P80 दोनों का स्कोर सबसे टॉप में है। इसका मतलब AI जो होने वाला है बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होगा P80 का। लेकिन MediaTek को भी सराहना चाहिए क्योंकि इतने जल्दी इतने अच्छे प्रोसेसर स्पेशली मिड टू हाई रेंज में ला रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग, स्नैपड्रैगन को अच्छी कॉम्पिटिशन है। वैसे दोस्तों Oppo R19 ये फोन होगा सबसे पहला जो P80 पे आने वाला है, U1 P70 पे, R19, Oppo R19 P80 पे। Honor 8C लॉन्च हो रहा है नवंबर 29 को, लेकिन उसके साथ और एक चीज लॉन्च होने वाली है, Honor Band 4। एंड ऐसे लगता है कि ये टफ कंपटीशन देगा Mi Band 3 को, अभी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फिटनेस बैंड है। इसकी जो प्राइस है, चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो गया, इसकी प्राइस है 199 yuan, इसका मतलब 2,2100 रुपए का होगा, जो सेम प्राइस है Mi Band 3 की भी। और दोस्तों Mi Band 4 में 0.95 इंच की स्क्रीन है, एमोलेड है, 2.5D कर्व्ड ग्लास भी है, लुक्स एक्सीलेंट, जब आएगा सब डिटेल जरूर देंगे आपको। वैसे दोस्तों आपने अटेंडेंस दिया, अभी तक नहीं दिया है, आधे से ज्यादा न्यूज हो गई है, भूल गए होंगे तो मैं रिमाइंड करता हूं, लाइक जरूर कर दीजिए। एंड टाइम फॉर टूडेज डील्स। दोस्तों आज ये एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपसे पहले पूछा था कि हम टेक छोड़ के अगर आपको दूसरे डील्स देंगे तो आपको पसंद आएगा क्या, बहुत सारे लोगों ने कहा कि पसंद आएगा, इसलिए मैं ये डील्स दे रहा हूँ आपको। अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए, हम बंद कर देंगे। आज टेक के डील्स नहीं थे तो नॉन टेक के डील्स लेके आए हैं आपके लिए।
बाटा बहुत पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में। बाटा का जो वॉलेट होता है वो जनरली 700 को मिलता है, अब मिल रहा है आपको 299 रुपीज में। बाटा की चप्पल जो जनरली आपको 1300-1400 रुपए को मिलती है वो अब आपको मिल रही है 389 रुपीज को। जैसे मैंने कहा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने। एंड फाइनल डील दोस्तों ये है लैपटॉप बैकपैक नहीं ब्रीफकेस। तो लैपटॉप आप ले जा सकते हो 15 इंच तक का, ब्रीफकेस के जैसा ये बैग है, बहुत अच्छा है दिखने को, बहुत स्टाइलिश है। जनरली 2000 को मिलता है, 799 में अब मिल रहा है, जरूर जाके देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। गैलेक्सी S10 प्लस के अंतुतु स्कोर्स बाहर आ गए हैं। पिछले 2-3 दिनों से मैं S10 के बारे में आपको बता रहा हूँ, अब अंतुतु स्कोर्स बाहर आ गए हैं एंड दे आर सरप्राइजिंग। इनफैक्ट किरिन 980 के जो स्कोर्स है अंतुतु के 3,10,000, 3,12,000 उसको भी बीट करता है। गैलेक्सी S10 प्लस के अंतुतु स्कोर्स हैं 3,25,000 प्लस। दैट मीन्स इसका जो एक्सिनोस 9820 प्रोसेसर है सैमसंग का खुद का, जिसके ऊपर S10 प्लस बेस्ड है, वो बहुत स्ट्रांग है, किरिन 980 से भी ज्यादा पावरफुल है। वैसे हमने एक्सिनोस 9820 पे एक डिटेल्ड वीडियो किया है, जरूर देखिए। नोकिया 8.1 ये जो है इसकी डेट कंफर्म्ड हो गई है। कल मैंने कहा था कि नोकिया ने टीजर डाल दिया है, आज डेट कंफर्म कर दी है, December 6 नोकिया 8.1 इंडिया में लॉन्च हो रहा है। उतना ही नहीं, नोकिया 8.1 के साथ ऐसे भी कहा जा रहा है कि नोकिया 7.1 आएगा। नोकिया 7.1 प्लस नहीं, वो नोकिया 8.1 है। नोकिया 7.1 जो कुछ दिनों पहले बाहर लॉन्च हुआ था इंडिया के बाहर, वो अब इंडिया में भी लॉन्च होगा, 7.1 एंड 8.1। एंड फाइनल न्यूज, यूट्यूब के एनोटेशंस, पता नहीं है अभी रिसेंटली आप यूट्यूब देखना चालू किया होगा आपने तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन पहले एनोटेशंस जो है बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। वीडियो में बीच में कुछ तो भी लिखा हुआ रहेगा और कुछ आता था, कलरफुल चीजें आती थी, तो वो एनोटेशंस थे, वो अब यूट्यूब बंद कर रहा है। बंद ऑलरेडी हो गए थे, आप डाल नहीं पाते थे, लेकिन अब 19 से, मतलब अगले महीने से, January 2019 से सब जो एनोटेशंस ऑलरेडी है यूट्यूब वीडियोस पे वो निकल जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट पे। क्या आपको मिला, नहीं मिला है जाके देखिए, टेक न्यूज प्रॉपरली देखिए, अगर कुछ दिखता है विच इज आउट ऑफ द प्लेस आइए कमेंट सेक्शन में जाइए, #TTTH डालिए, साथ में टाइम स्टैम्प आपने किधर देखा एंड स्पेसिफिकली आपने क्या देखा ये डालिए, और अगर आप सही हो तो जीत जाओगे अमेज़न का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट के विनर है पवन शर्मा। पवन जी कांग्रेचुलेशंस, आप हमें ईमेल भेजिए, आपका जो अमेज़न का ईमेल आईडी है वो भेजिए, आपको हम भेज देंगे बहुत ही जल्दी आपका गिफ्ट वाउचर। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 269 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, भूलना मत, सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।